रमजान काम फिनिश हो जाएगा और ये वाला बोर्ड भी चेंज हो जाएगा। फ्रूट इसको बोलते हैं अल्फा, हम भूंजे हुए को उसको सऊदी अरब में अल्फाम बोलते हैं। और ये पार्सल लंच नंबर 4 से व्हील चेयर भी ले सकते हो। अब सर रेडी, अब इसके आप लोगों के साथ कचुम्बर उचुम्बर सब देंगे। अफगानिस्तान की रेस्टोरेंट है, बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु, मैं हूँ मोनिश शफीक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का अजीजिया में, आप लोग देख सकते हो इधर सब मक्का अजीजिया में। और ये है बिल्डिंग नंबर 126, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिदायत टावर के पास। और हिदायत टावर के पास जो आते हैं उमरा हाजी लोग, वो सब जा रहे हैं अपने मुल्कों की तरफ, रवानगी कर रहे हैं। देखिए ये है उमरा हाजी लोग, और ये है हिदायत टावर नंबर 3। ऐसे लाइन से 6 टावर है, देख सकते हो आप लोग, उधर 4 है और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 टावर है इसके अंदर। चलिए मैं आप लोगों को इधर की अपडेट देता हूँ मक्का अजीजिया की, क्योंकि इंडियन हाजी लोग आ रहे हैं ना, तो उन लोगों को कुछ यहाँ की रेस्टोरेंट है या तो फिर यहाँ की दुकानें हैं वो सब बताता हूँ, और आप लोगों को बिल्डिंग भी बताता हूँ मैं सब। आप लोग वीडियो पूरी देखिए और वीडियो को लाइक करिए और मोनिश शफीक चैनल को सब्सक्राइब करिए। इधर देखिए ये सब मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सब उमरा हाजी लोग हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये सब सामान पैक करके जा रहे हैं। और यही बस में आएंगे इंडियन हाजी लोग भी, ये बस जो आप लोग देख रहे हो ना, ये सब बस में इंडियन हाजी लोग आएंगे। अभी ऐसे इधर इस साइड में मैं आया हूँ तो मुझको हज का माहौल ही लग रहा है इधर पूरा, और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इस गली के अंदर। और इस गली से अपन वो साइड से आएगा, उधर एक रेस्टोरेंट भी है, किराना दुकान भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 154 बिल्डिंग नंबर के पास मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और इसके बाजू से ही है 155 नंबर बिल्डिंग, और उसके बाजू से 156 नंबर बिल्डिंग। तो मैं आप लोगों को सब बिल्डिंगें बताता हूँ, और उससे पहले यहाँ पे एक है किराना दुकान बकाला अहमद, ये देखिए ये यहाँ पे है बकाला अहमद, ये हज के टाइम पे खुला हुआ रहता है। और ये है बिल्डिंग नंबर 155, और ये है बिल्डिंग नंबर 156, देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह, इसमें इंडियन हाजी लोग रहेंगे सब। और इस साइड में आ रही है बिल्डिंग नंबर 151, ये देखिए ये है बिल्डिंग नंबर 150, बिल्डिंग नंबर 151 के एकदम सामने ही फुटबॉल का ग्राउंड है, देखिए इधर बॉल भी रखा हुआ है एक। उधर सामने भी आप लोगों को दिख रही है ना जो सब बिल्डिंग है, ये सब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग पूरी वीडियो देखिए। बिल्डिंग नंबर 150 और इंडियन हाजी लोग की, और इसके अंदर अभी काम चल रहा है, इंशाल्लाह आफ्टर रमजान काम फिनिश हो जाएगा और ये वाला बोर्ड भी चेंज हो जाएगा, 2024 का बोर्ड भी लग जाएगा हर बिल्डिंग पे। ये देखिए जनाब, ये है बिल्डिंग नंबर 149, 149 नंबर बिल्डिंग है ये। और ये है जनाब 157 बिल्डिंग नंबर, देख सकते हो आप लोग ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, और अभी इसमें इसका भी काम चल रहा है, इंशाल्लाह ये बोर्ड भी आफ्टर रमजान ख़त्म कर दिया जाएगा, नया बोर्ड लगा दिया जाएगा। देखिए ये है बिल्डिंग नंबर 157, और ये है मक्का अजीजिया की बिल्डिंग नंबर 148, देख सकते हो आप लोग। और अब जा रहा हूँ मैं इस साइड में, इस साइड में जाएंगे, इस साइड में जाके आप लोगों को इधर कौन सी नंबर की बिल्डिंग पड़ती है ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग हज पर आ रहे हो ना तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देख लेते हो ना, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए जनाब, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये है बिल्डिंग नंबर 160, और उसके बाजू में है बिल्डिंग नंबर 172, 172 नंबर बिल्डिंग है। ये है जनाब ब्रांच नंबर 4, और आप लोगों को यहाँ से व्हील चेयर भी मिल जाएगी, अगर आप लोगों के साथ ज़्यादा उम्र के लोग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो आप लोग यहाँ से ब्रांच नंबर 4 से व्हील चेयर भी ले सकते हो। देखिए ये है, समझ के चलो मैं आप लोगों को बता दूँ कौन सी बिल्डिंग नंबर के सामने है, 172 के सामने ही है ये बिल्डिंग ब्रांच नंबर 4, देखिए 172, और इसके सामने है इंडियन ब्रांच नंबर 4, यहाँ से आप लोगों को व्हील चेयर भी मिल जाएगी। और ये है जनाब बिल्डिंग नंबर 170, देखिए 170 बिल्डिंग नंबर है ये, माशाल्लाह यहीं पर हाजी लोग रहेंगे, इंडियन हाजी लोग, हाँ
ये सब इंडियन हाजी लोग के वास्ते मैं इधर वीडियो बनाता हूँ। आप लोग अगर मेरी बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ मैं, मक्का जिजिया में जुमा की नमाज, मक्का जिजिया में इंडियन रेस्टोरेंट, ये सब वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पे देखिए। सब तरीके की मैं वीडियो यहाँ की बना के अपडेट कर चुका हूँ आप लोग की मालूमात के लिए, ताकि आप लोग इधर आओ तो आप लोग इधर से अगर भटक भी जाओ तो आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को रास्ता याद रहेगा। मैं मक्का अजीजिया से कल एक वीडियो अपलोड किया हूँ, मक्का अजीजिया से मीना गया हुआ हूँ पैदल, वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, कल अपलोड किया हूँ मैं। ये देखिए जनाब, ये है बिल्डिंग नंबर 164 और उसके बाजू से है 165 बिल्डिंग नंबर, ये देख सकते हो आप लोग। मैं आप लोगों को बिल्डिंग नंबर 165 का भी बोर्ड बता देता हूँ। ये है जनाब बिल्डिंग नंबर 165, 165 नंबर बिल्डिंग। और अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ यहाँ से, एक किराना दुकान है यहाँ पे, जनरल स्टोर, वो किस बिल्डिंग के बाजू में ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए चलते हैं किराना दुकान में, यहाँ पे बकाला कहते हैं। इस वक्त मैं फिर से आ गया हूँ हिदायत टावर के पास ही। ये देखे जनाब, ये है बकाला अमूदी, यहाँ पे ये जनरल स्टोर बोलते हैं अपन इंडिया में इसको, यहाँ पे समझ लो सऊदी अरबिया में बकाला कहते हैं, अपने यहाँ पे किराना दुकान कहते हैं इंडिया में। चले अब बकाला के अंदर चलते हैं, किराना दुकान के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए यार, आप लोगों को कोलगेट ब्रश सब मिल जाएगा देखिए, और सामने इधर नीचे निर्मय, अगर आप लोग पानी लेना चाहते हो तो यहाँ से पानी भी मिल जाएगा, और इधर सब अपना डोनेट डोनेट रहता है, इसको इंडिया में डोनेट बोलते हैं, और ये सब बिस्किट है। और अगर आप लोगों को मैं इधर बताऊँ तो मैगी होगी, अगर आप लोग खाते हो तो मैगी भी इधर रहती है, चावल, और ये जो है ना इसमें अपने इंडिया का आटा है, ये आटा बोलते हैं इधर इसको, देख सकते हो आप लोग। और इधर है सरसों का तेल, और इधर है अपना सब मीठा तेल, देखिए कॉफ़ी वगैरह सब है यहाँ पे। देखिए इधर टी है, अपनी चाय पत्ती आती है ना वो है, और इधर है रूह अफ़ज़ा, और ये इसको बोलते हैं लूना दूध, इससे भी चाय बनती है यहाँ पे, और ये है अलमराई की क्रीम। आप लोगों को मैं अंदर और बता दूँ, इधर देखिए बेसन है, और इधर मटर है, इधर भी मटर है, इधर दाल है, ये भी दाल है, और ये अपना वो बर्तन धोने वाला साबुन पॉलिश है। इधर देखिए ये सब भाई साहब लोग सब फ्रिज में रख रहे हैं, अपना सेवन है, मिरिंडा है, ड्यू है, और दूध वगैरह है, इधर अलमराई का भी दूध आता है, और देखिए इसके अंदर अंडा है, ये आप लोगों को यहाँ पे अंडा भी मिल जाएगा, इधर देख सकते हो आप लोग। इधर भी आप लोगों को जूस, और ये अलमराई वाला दूध बोला ना मैं, ये दूध आता है अलमराई वाला, अलमराई कंपनी का दूध रहता है। चलिए उस साइड से भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे चावल है ना जो 7 रियल का 1 किलो है, देख सकते हो आप लोग 7 रियल का 1 किलो। और ये है जैतून का तेल सासू, ये अच्छी कंपनी आती है, जो जैतून का तेल है ना ये अच्छी कंपनी आती है सासू की। और इधर है शहद, जिसको अपन नीमक बोलते हैं ना, ये भी है। और इधर कड़ी पाउडर भी देखिए आप लोग, ये है लाल मिर्ची, ये है धनिया है शायद मेरे ख्याल से, और ये खीर का पाउडर है। ये देखिए ये है टिक्का, सालन का मसाला, और ये है बिरयानी का मसाला, ये भी है, और ये भी है सालन का मसाला। यहाँ पर हम लोग यही वाला मसाला यूज़ करते हैं, अगर हम लोग को लेना रहा ना हम लोग ये वाला मसाला यूज़ करते हैं। और यहाँ पे है ये जीरा, देखिए बिल्डिंग नंबर 215 ये है, और उसके सामने ही वो वाली किराना दुकान में था मैं, जिसको सऊदी अरबिया में बकाला कहा जाता है। चलिए आप लोगों को थोड़ा अफगानी खाना भी बता दूँ मैं, अफगानिस्तान रेस्टोरेंट, वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा हफ्सा, हफ्सा बोले तो सऊदी में बोलते हैं, और चिकन आता है बारबेक्यू, और उसके साथ बिरयानी वाला चावल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ अभी वो होटल, इंशाल्लाह फिर कभी कोई वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं ट्राई करेगा, आप लोगों को खा के उसका टेस्ट भी बताएगा। ये है जनाब मताम अल बुखारी रेस्टोरेंट, ये अफगानिस्तान की रेस्टोरेंट है, बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। यहाँ पे अल्फाहम मिलता है और खफ्सा मिलता है, यहाँ जिजेम पड़ती है, हिदायत टावर यह है ना उसके एकदम बाजू वाली गली से पड़ती है, यानी हिदायत टावर अली रोड पे ही है। देखिए ये सारे हिदायत अली रोड है, और इस पे यहाँ पे ये पड़ती है,
मकाम अल बुखारी। देखिए रेस्टोरेंट है ये, अंदर चल के मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा मकाम अल बुखारी में, कबाब है और ये मच्छी है देखिए, और ये चिकन टिक्का है और ये लेग पीस है, और नीचे आप लोगों को कचुम्बर उचुम्बर भी मिल जाएगा, और ये है ना जो ये जैतून है ओलिव कहते हैं इसको, और ये सब कचुम्बर है, और इधर सब बैठ के खा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये बैगन की सब्जी मिलेगी, ये पालक मिलेगी, और वो आलू आलू कचौली बोलते हैं अपने इधर, ये गोभी की सब्जी है, और इधर आखिरी में भिंडी है, और ये चिकन का है, और उधर दाल है। आप लोगों को सब मिल जाएगा इस होटल में। ये देखिए ये है बारबेक्यू बुखारी, अफगानिस्तान की रेस्टोरेंट है, इसके अंदर ऐसे बारबेक्यू होता है, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए इसको खफसा बोलते हैं इधर, ये चावल के साथ आप लोगों को देंगे खफसा। ये देखिए ये जो चावल है ना, चावल के साथ देंगे आप लोगों को, और उधर जो बन रहा है वो ला वो अल्फाहम बन रहा है उधर बारबेक्यू जिसको बोलते हैं। ये देखिए ये इधर अल्फाहम रेडी होके रखा हुआ है, ये है अल्फाहम। ये देखिए ये हो गया एक हफ्ता रेडी, अब इसके आप लोगों के साथ कचुम्बर उचुम्बर सब देंगे, और सॉस भी देंगे इसके साथ आप लोगों को, माशाल्लाह। ये देखिए ये तला हुआ अल्फाहम रेडी हुआ है, चिकन तला हुआ, ओए मजे आ गए। ये देखिए ये अल्फाहम तैयार हो चुका है यहाँ पे, और अल्फाहम रखा हुआ है बारबेक्यू। ये सऊदी अरबिया में इसको बारबेक्यू बोलते हैं, अल्फाहम बोलते हैं, और अपने इंडिया में बारबेक्यू बोलते हैं। देखिए इधर भी सब रेडी करके रखे हुए है भाई साहब लोग, माशाल्लाह कस्टमर भी बहुत है इधर। ये देखिए इतनी बड़ी डेग में ये लोग तैयार करते हैं, ये दो डेग ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, और इसमें से चावल निकाल निकाल के सबको दे रहे हैं खाने को। ये भाई साहब बना रहे हैं अल्फाहम, देखिए ये भाई साहब अभी अल्फाहम निकालेंगे, अपन देखते हैं। देखो वो सामने से निकाल रहे हैं, ये आ गया अल्फाहम। देख सकते हो आप लोग इसको बोलते हैं अल्फाहम, भुंजे हुए गोश्त को सऊदी अरबिया में अल्फाहम बोलते हैं, और ये पार्सल के वास्ते रेडी हो रहा है देखिए, माशाल्लाह। तीन अल्फाहम का ऑर्डर आया था, ये रेडी हो चुका है। चलिए अब चलते हैं बाहर, बाहर से मैं आप लोगों को थोड़ी अपडेट दे देता हूँ, बाहर चलते हैं। और इधर सब्जी वब्जी सब रहती है, आप लोगों को मैं बताया था, सब्जी ऐसा मिला दे, और इधर सब बैठ के खा रहे हैं, जो खारजी लोग रहते हैं ना सब बैठ के खा रहे हैं, देख सकते हैं। और इधर आप लोगों को पेप्सी वगैरह भी मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे आप लोगों को पानी भी मिल जाएगा और पेप्सी वगैरह भी मिल जाएगी इस साइड, देखिए अब पेप्सी है, सेवन है, डी यू है, मिरिंडा है। चलिए अब मैं चलता हूँ बाहर की जानिब, निकल रहा हूँ इस रेस्टोरेंट से, आप लोग देख लीजिए इंशाल्लाह। आप लोग अगर हज पे आते हो तो यहाँ पे एकदम सस्ता खाना मिलता है, आप लोगों को 10 रियाल में एक पीस चिकन का देंगे, इतना बड़ा वाला, यानी एक फुल चिकन में से आप लोगों को पाव भर का चिकन आएगा, और एक प्लेट में चावल भर के आएगा 10 रियाल में, उन्हीं दो आदमी लोग एकदम आराम से खा सकते हो इस रेस्टोरेंट से। तो चलिए।